औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों बहुत सारी जो है सवालात आ चुके हैं आज की वीडियो में कि छुट्टियां कब तक बढ़ने जा रही हैं और आप लोगों के जो दोबारा पेपर्स हैं वो कब होंगे और टेंथ क्लास के जो पेपर्स हैं उनकी चेकिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारी न्यूज़ है इस वीडियो में, वीडियो के अंदर लाजमी वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली जो है वो पहुँच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की जाने बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं कि क्या जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों टेंथ क्लास की बात करें तो अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ सरगोधा बोर्ड में जो है वो पेपर चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक से डेढ़ मंथ के अंदर अंदर तकरीबन 15 अगस्त के करीब आपका टेंथ क्लास का रिजल्ट जो है वो सुना दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इस बात के चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि 15 अगस्त तक तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी टेंथ क्लास का सरगोधा बोर्ड का रिजल्ट सुना दिया जाएगा, उम्मीद यही है। और जो बाकी जो बोर्ड्स हैं, फैसलाबाद बोर्ड है और बोर्ड है, जैसे कि एक बंदे ने क्वेश्चन भी नीचे पूछा था कि फैसलाबाद बोर्ड में किस तरह मार्क्स दिए जाएंगे, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी भी जल्द ही चेकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी या हो सकता है चेकिंग स्टार्ट कर दी जाए। अब ये जो खबर मेरे पास निकल कर आ रही है अथेंटिक न्यूज़ है क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई फ्रॉडली आपसे बात कर रहा हूँ और या इस किस्म की कोई बात नहीं है कि मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ। ये तकरीबन आप 99.99% कह सकते हैं कि टेंथ क्लास की चेकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जा चुकी है। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब छुट्टियों के हवाले से और बाकी पेपर्स के हवाले से। तो जैसे कि आपको पता है तो है कि 9th क्लास के पेपर्स नहीं होने, वो प्रमोट हो चुकी है, और 11th क्लास के ही पेपर्स नहीं होने। ये भी आप अपनी बात जो है वो दिमाग में बिठा लें। और बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूजन में हैं कि वो किस तरह आगे अगले साल की तैयारी करें, ऐसे साल की तैयारी करें, तो आप अगले साल की तैयारी कर दें। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं छुट्टियों की। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि उम्मीद है कि वैक्सीन इंशाल्लाह वो सितंबर से अक्टूबर में लॉन्च होगी और हो सकता है कि उससे पहले स्कूल ना खुले। अगर खुले तो SOPs पर अमल किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन उस लोगों को जो है बुलाया जाएगा या 4 दिन जो है तालिबे इल्मों को बुलाया जाएगा और 3-3 घंटे की क्लासेस दी जाएंगी। पहले 3 घंटे जो क्लासेस रखी जाएंगी वो कुछ जो है वो क्लासेस के लिए होगी और बाकी जो मतलब सेकेंड टाइम की जो क्लास होगी वो भी बाकी क्लासेस के लिए होगी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आपने जिस बंदे ने वीडियो एंड तक देखी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन है स्टडी के रिलेटेड, किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो है नो नेम लेकर जो है वो क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद होने की जरूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।